अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको एन एस हेल्दी टिप्स में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी सी और हेल्दी सी काले चनों की चाट। इसके लिए जो मैंने जो ब्लैक चने हैं इनको पहले भिगो लिया था। भिगोने के बाद फिर मैंने इसको बॉईल किया है। जब ये बॉईल हो जाए, कुछ लोगों को सख्त थोड़े से सख्त पसंद होते हैं, मुझे थोड़े से नरम पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े से नरम बॉईल किए हैं। इनको आपने ले लेना है। इसके बाद आपने दही लेना है। दो टेबलस्पून इसमें दही डाल लेंगे। एक कप मैंने इमली का गूदा निकाल के रखा हुआ है। इमली को इसका निकालने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है। आपने इमली लेनी है ताज़ी, उसको भिगो के रख लेना है। उसके बाद उसकी सीड्स निकाल देनी है और उसको इसमें से उसका सारा जो गूदा है वो निकल आएगा। अब वो एक कप प्याली हम इसके अंदर ये डालेंगे। जो जो चीज़ इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे असेंबलिंग्स लिए हैं, वो यहाँ पे मैंने खीरा लिया है, टमाटर है, पुदीना, हरी मिर्च, बंद गोभी और यहाँ पे प्याज ले लिए हैं। दही डालने के बाद इसके अंदर हम ये एक बाउल जो है वो इमली का जो गूदा है वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। एक स्पून हरी चटनी डालेंगे इसमें, पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची का जो हम बनाते हैं वो डालेंगे। नमक डालेंगे हसबे ज़ायका। एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली सॉस डालेंगे। प्लेन अगर टमाटो सॉस आपको पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। बाद में जब आप इंडिविजुअली जब आप सर्व करें तो हर इंसान की चॉइस भी डाल सकते हैं। अब इसमें तमाम चीज़ें हम ऐड कर देंगे। गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, खीरे, टमाटर, अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च ले लेंगे और पुदीना डाल लेंगे। चाट मसाला इस पर ऐड करेंगे। फिर इंडिविजुअली जब आप सर्व करेंगे प्लेटर्स में, बाउल्स में, तो उसमें जिसका एज पर टेस्ट पर्सन के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। आप इसको पापड़ी के साथ, समोसे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और यमी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी रेसिपीज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।